आज का जो दिन है वो काफी अहम है। लोकसभा में नागरिक संशोधन विधेयक आज सदन में पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा, और देश के गृह मंत्री अमित शाह आज पेश करेंगे ये बिल, और इस संशोधन बिल पर आज वोटिंग भी करवाई जाएगी। और भारत में नागरिक संशोधन विधेयक बिल लागू हो गया नहीं राजश्री, तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाएगा। और इससे पहले भी लोकसभा में पेश किया जा चुका है, मंजूरी कैबिनेट से 2016 में पहली बार मिली थी, उसके बाद लगातार कोशिश है मोदी सरकार की कि इस बिल को पास करवाया जाए। बिल्कुल, और इससे पहले जब बिल पेश किया गया था हालिया में, तब ये निष्क्रिय कर दिया गया था। दूसरी बात कमल, ये मुझे लगता ये है कि शायद आसान होगा बिल पास करवाना, क्योंकि 545 की स्ट्रेंथ में 303 जो सदस्य हैं वो बीजेपी के हैं, तो वोटिंग आज कराई जानी है, तो ये मानकर चल रहे हैं कि 303 जो सदस्य हैं बीजेपी के वो वोट करेंगे इसके पक्ष में, क्योंकि सरकार का मुद्दा है ये। और बड़ा सवाल यही कि क्या भारत में जो संशोधन बिल है उसे लाया जाएगा या फिर नहीं, और तमाम तरह के इसके लिए क्राइटेरिया पहले ही डिसाइड कर लिए गए थे, और इसमें ये कहा गया था कि जो अफगानिस्तान से जो आए हैं या जो धार्मिक यातनाएं झेलकर जो भारत में जिन्होंने शरण ले रखी है उनको लेकर ये बड़ा फैसला आज हो सकता है। खासकर जो कांग्रेस है वो लगातार विरोध इस बिल का कर रही है, आज से नहीं बहुत पहले से कर रही है, जब से मोदी सरकार की मंशा थी कि इस बिल को पास करवाया जा सके, लेकिन अभी तक तो सफलता नहीं मिल पाई थी। एक बार फिर से लोकसभा में इस बिल को रखा जाएगा, इस पर वोटिंग होगी और आज ये मालूम हो जाएगा। खासकर जैसा कि राजश्री का कहना है कि लोकसभा में कोई परेशानी बीजेपी को नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा सांसद है बीजेपी के। पूर्ण बहुमत से सरकार एक बार फिर से बीजेपी ने बनाई थी अपने सहयोगी के साथ, तो लोकसभा में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन राज्यसभा की बात की जाए तो वहां पर बड़ी चुनौती अब भी रहने वाली है। हालांकि वहां भी जो आंकड़ा है बीजेपी का थोड़ा बड़ा है, लेकिन इतना नहीं कि आसानी से वहां पर कोई भी बिल विधेयक पास हो सके। तो आज देखने वाली बात होगी, इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी ओर से संशोधन पेश करेंगे, कुछ संशोधन किया गया है इसमें, तो उसमें क्या बातें खास वो कहेंगे और क्या उनकी ओर से बातें सांसदों को कही जाएंगी सदन में, क्या कुछ देश को कहेंगे इस बिल को लेकर, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि एक धर्म को दरकिनार कर इस बिल को पेश करने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं राज्यों के लिए भी अहम हो जाता है कमल, असम के लिए तो अहम है ही क्योंकि काउंटिंग वहां पर करवाई गई थी। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो नू मेवात में शरणार्थियों की संख्या ज्यादा है, तो काफी अहम आज का दिन रहने वाला है। अब बिल्कुल ये भी आपको बता दें, जानकारी दे दें कि पहले थोड़े कड़े नियम थे, जो बाहर देश से यहाँ पर शरणार्थी आ रहे थे उनके लिए जो नागरिकता लेना है वो बहुत मुश्किल था, लेकिन उसमें थोड़ी आसानी की गई है। जहाँ 11 साल तक रहने जरूरी था तो उसमें कमी की गई है, ये महज 5 से 10 साल के बीच रहेगा, या यूं कह लीजिए 6 से 7 साल के बीच रहेगा, तो इतना रहकर वो भारत की नागरिकता पा सकते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं जी, और कहीं ना कहीं बांग्लादेशी या फिर अफगानिस्तान जो शरणार्थी यहाँ पर आए हैं उन्हें लेकर ये फैसला है। तो लोकसभा में ये विधेयक बिल जो है पास होगा या नहीं होगा ये बड़ा सवाल है अभी भी। हालांकि अमित शाह इसे पेश करने वाले हैं और 303 जो सदस्य हैं वो बीजेपी के हैं 545 की स्ट्रेंथ में। तो गृह मंत्री अमित शाह आज इस बिल को पेश करेंगे, ये भी आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले कैबिनेट से मंजूरी एक बार फिर से नागरिक संशोधन विधेयक को मिली, उसके बाद से चर्चा हुई कि अब लोकसभा में पेश कब होगा, तो आज का दिन निर्धारित था कि आज ही ये लोकसभा में पेश किया जाएगा। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि बड़ी बात यह है कि विधेयक तो पेश होगा ही होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जैसे कि विपक्ष को बातों ही बातों में घेरते रहते हैं, घेरने वाले भी हैं, आज वो अपनी ओर से देश को भी कहीं ना कहीं इशारों में कई बातें कहेंगे इस विधेयक को लेकर और समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिल्कुल, और इससे पहले जब बिल निष्क्रिय हुआ था यानी कि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया था या निष्क्रिय कर दिया गया था, तो अब जो बदलाव किए गए हैं उसके हिसाब से देखना होगा क्या कुछ बदलाव इसमें किए गए हैं इस बिल में। चलिए इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और देखना होगा अमित शाह जो लोकसभा में जब जाते हैं तो कितने बजे इस बिल को पेश किया जाता है, आप तक तमाम अपडेट पहुंचाएंगे।